सौतेले बाप ने ही नाबालिग बेटी को ही हवस का शिकार बनाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रतलाम शहर के मोतीनागर क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी को उसी के सौतेले बाप ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसने कई बार बालिका से बलात्कार किया। आखिरकार परेशान होकर बालिका अपनी मां के साथ पुलिस के पास पहुंची और आरोपी सौतेले बाप के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोतीनगर निवासी एक नाबालिग बालिका अपनी मां के साथ दीनदयाल नगर पुलिस थाने पहुंची। बालिका ने पुलिस को बताया कि उसकी मां सीमा ने करीब 7 साल पहले मोतीनगर निवासी संजू पांडे नामक व्यक्ति से शादी की थी और तब से पीड़ित बालिका अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रह रही थी। सौतेलो बाप शुरू से ही बालिका पर गंदी नजर रखता था। करीब 20 दिन पहले संजू पांडे ने अपनी पत्नी सीमा के साथ मारपीट करके उसे घर से भगा दिया, लेकिन बालिका को उसके साथ नहीं जाने दिया। जब बालिका की मां को घर से भगा दिया तो सौतेले बाप ने सारी रात बालिका के साथ बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो उसे जान से मार देगा। डरी सहमी बालिका ने सौतेले बाप से अपनी नानी के घर मेघनगर छोड़ने को कहा तो आरोपी उसे मेघनगर छोड़कर आ गया। उधर जब पीड़िता की मां सीमा फिर से अपने दूसरे पति संजू पांडे के पास रहने आ गई तो आरोपी विगत 8 जून को बालिका को मेघनगर से रतलाम ले आया। अगले दिन जब रोज की तरह उसकी मां कचरा बीनने के लिए घर से बाहर गई तो आरोपी सौतेले बाप ने उसके साथ फिर बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे वह जान से मार देगा। रविवार को जब फिर से बालिका के साथ उसके सौतेले बाप ने बलात्कार किया तो उसे बहुत तकलीफ होने लगी और आखिरकार उसने सारी बात अपनी मां सीमा को बताई। उल्लेखनीय है कि पीड़ित बालिका 8वीं कक्षा तक गई हुई है। इसके बाद वह अपनी मां सीमा के साथ दीनदयाल नगर पुलिस थाने पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित बालिका की रिपोर्ट पर आरोपी संजू पिता जगदीश पांडे के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। क्या हुआ था, मामला क्या है, किस लिए आया था थाने पे? किसने करा था? संजू पांडे। कौन है संजू पांडे? मेरा दूसरा पति। तो ये इसके पहले भी आपने कुछ शिकायत करी थी? पहले शिकायत करी थी। तो क्या हुआ था उस पर? उस पर कुछ भी नहीं हुआ था, जमानत पे छूट गया था। तो अभी आप बता भी रहे हो कोई धमकी दे रहा है, क्या है? वो धमकी देता है कि लड़की को कि अगर तूने तेरी माँ को या किसी को भी बताया ना तो तुझे मार डालेंगे। अभी कुछ फोन भी कर रहे थे, क्या कह रहा है वो? धमकी दे रहा है कि अगर इसकी मेडिकल में आ गया मेरे खिलाफ तो तुम जो बोलोगे वो कर लूँगा, अगर नहीं आया तो तुमको मार के फेंक दूँगा। अभी आपकी प्रकरण दर्ज हुआ या नहीं हुआ? अभी तो हुआ है, मेडिकल करवाने ले जाना, आगे पता चलता है क्या मेडिकल करते हैं कि नहीं करते हैं। कितनी बजे से आप यहाँ बैठे हो? ये हम सुबह 9 बजे से। कितने बजे बैठे हो? सुबह 9 बजे से। मामला है सर, क्या मामला है? आज अभी एक महिला ने अपने बच्ची के साथ में आके रिपोर्ट की है कि उसकी बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके साथ में उसके ही सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया है, जिसकी रिपोर्ट की गई पंजीबद्ध की गई है और अभी विवेचना में है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर कहाँ का रहने वाला आरोपी? ये आरोपी मोतीनगर का रहने वाला है।